एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया व्लॉग। सबसे पहले मैं बुटीक पे जा रही हूँ, दो तीन काम करवाने हैं। पजामे होते हैं ना, वो मुझे एक्चुअली जो मैं पंजाबी मंगवाती हूँ वो काफ़ी लॉन्ग लेंथ के होते हैं और मुझे एंकल लेंथ पसंद है। वो मैंने वो ऑल्टर करने के लिए दिए थे, तो सबसे पहला काम वो करवाना है। सेकेंड, मेरे को बुटीक पर जाना है जहाँ मैं ब्लाउजेज स्टिच करवाने के लिए देती हूँ। तो मुझे ऐसा सिल्क विल्क का ब्लाउज है। आई रिसीव्ड अ ब्यूटिफुल साड़ी फ्रॉम अ सब्सक्राइबर, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। वो साड़ी इतनी ज़्यादा प्रिटी है, मैंने एक स्पेशल डे के लिए उसको रख के रखा हुआ है। तो उसका ब्लाउज मुझे स्टिच करवाना है। तो जो ब्लाउज है मैंने डाल दिया है, वो ब्लाउज मुझे कॉटन में चाहिए, मतलब साड़ीज इन ऑर्गेन्जा, और ब्लाउज मुझे कॉटन फैब्रिक चाहिए। थोड़ा सा शीन मटेरियल होता है, मतलब कॉटन नहीं है, उन्होंने मुझे क्या फैब्रिक बताया था वो। तो मैंने बोला उसमें आप 3 कलर्स के मुझे स्टिच करके दे दो। एक तो गोल्डन कलर, मदर इन लॉ के पास भी बहुत एक से एक साड़ी है। एक्चुअली होता है कि मेरे को उनका ब्लाउज नहीं आता है, तो गोल्डन यूजुअली होता है ना, थोड़ा जो ऐसा गोल्डन होता है, कूल टोन या वार्म टोन वाला जो गोल्डन होता है, वो हर साड़ी के साथ जाता है। तो एक वो मैं ब्लाउज स्टिच करवा लेती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे को मेरी मम्मी का ब्लाउज आता है, ना मेरे को मेरी मदर इन लॉ के ब्लाउज आते हैं। इन दोनों के पास एक से एक साड़ियाँ हैं, तो इस चक्कर में फिर मुझे साड़ी खरीदनी पड़ जाती है। एक मैंने गोल्डन ब्लाउज, एक ब्लैक कलर का डाला है और एक पिंक कलर का डाला है। ब्लैक मैंने इसलिए डाल दिया कि एक बेसिक हर साड़ी के लिए, बहुत सारी साड़ियों में आप कॉन्ट्रास्ट पे ऐसे पहन सकते हो। आप जो नॉर्मल साड़ियाँ होती है ना, वो क्रॉप टॉप वगैरह पे पहन सकते हो, बट जो अच्छी रिच हैवी साड़ी होती है ना, उनको अगर आप क्रॉप टॉप पे पहन लो तो पूरा जो मजा होता है ना, वो किरकिरा हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये हुई है कि मेरी जो वॉच है, स्मार्ट वॉच है, इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, इसका ये जो पीछे का है ना, ये ऐसे निकल गया है, ये यहाँ से। तो मुझे ये करवाना है कि इस वजह से ये ना चार्ज नहीं हो रही है। इसका शायद ग्लू निकल गया है या पता नहीं क्या निकल गया है। तो मैं चार्जर भी लेके जा रही हूँ कि क्या ख़राब हुआ है भाई। और उसके बाद मेरे पास एक और फॉसिल की वॉच है जिसका सेल जो है वो ख़राब हो चुका है, तो वो भी मुझे ठीक कराना। ओके गाइज, सो गॉट रेडी एंड लेट्स गो। ओके गाइज, सो रीच्ड एट माई मॉम्स प्लेस। अभी वो फटाक से रेडी हो रही हैं। उन्होंने भी अपना बहुत सारा सामान निकाल के रखा है कि इन केस उनको भी 2-3 चीज़ें करवानी है। हम लोग पहुँच गए हैं न्यू मार्केट और अभी लेट्स सी देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Okay guys, so we are back. और ऐसा जो लेने गए थे वो काम इतना तो नहीं हुआ। एक आध साड़ी का मम्मी का वो नहीं मिला है, बट हाँ मैं फाइनली अपने लिए शेड्स लेकर के आ गई। मैं बहुत दिन से थोड़े अच्छी क्वालिटी के शेड्स लेना चाह रही थी। ये ऐसे दिख रहे हैं, मोर देन लुक्स, मतलब दिखने में ये कैसे, उससे ज़्यादा ये है इसमें जो लेंस लगे हुए हैं वो पोलराइड और UV रेज और दुनिया जान के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो देने वाला है कि चाहिए था। सो फाइनली आई बॉट इट और एंड आई थिंक अच्छे लग रहे हैं, मतलब दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो ये मैंने परचेज़ किया है, बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं परचेज़ किया है। और उसके बाद जो मेरी ये वाली वॉच है, इसमें तो फटका लगने वाला है यार, क्योंकि इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है। 2 साल की होती है, वो ख़त्म हो गई है। और मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे बोले कि 8000 से ऊपर खर्चा आ सकता है आपका। तो मुझे दुख लग रहा था कि इससे तो 10,000 की तो एक फॉसिल की नई वॉच आ जाती है। दुख तो बहुत हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब। और जब भी मैं पहनती हूँ, मतलब जब भी लिटरली जब पहनती हूँ ना, मुझे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर आते हैं। इवन वीडियोस में भी आते हैं एंड लाइव पहन रही होती हूँ तब भी आते हैं कि वॉच बहुत सुंदर लग रही है। तो मैं सोच रही थी 10,000, मम्मी कहती 10,000 लगेगा ठीक कराने का, तो इससे बेटर तो तुम वही नहीं खरीद लेना। तो मैं देख भी रही थी नहीं, पर मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब ये ना बहुत मेरे मन को खुश कर देने वाली वॉच है, तो मैं इसी को ठीक करवाऊँगी। एंड बड़ा दुख लगा यार, मुझे नज़र लग गई इस वॉच को, ऐसा लग रहा है। बस यही, अभी लस्सी वस्सी पियेंगे और फिर वापस घर के लिए निकलूँगी। हेलो एवरीवन, सो आज है हनुमान जयंती एंड अभी हम जा रहे हैं शैम्पू करने। आज मेरा शैम्पू डे भी है, तो मैं अभी शैम्पू करने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे को ना यहाँ पर इस तरफ में ये दिख रहा है, आपको एक ग्रे हेयर दिखेगा। सो दिस इज़ वन ग्रे हेयर और सेम मेरे को इधर पे भी एक लोकेशन पे ये दिख रहा है, ये छोटा सा ब्लैक के ऊपर रख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ना ग्रे हेयर एक एक आ गया है और एक ग्रे हेयर मेरा यहाँ पर ऊपर है और एक मेरा यहाँ पर अंदर है, मतलब 5 से 6 मेरे को ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो गया है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में ना प्री मैच्योर ग्रेइंग होना बहुत कॉमन हो चुका है, मतलब मेरी एज के काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स लोगों के तो बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो गया है। सो इट्स बिकॉज ऑफ एक तो जेनेटिक इसका रीज़न होता है, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस हो गया, वेदर कंडीशंस हो गए, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है। किसी को 20s, अर्ली 20s में हो जाता है, किसी को काफ़ी छोटी एज में हो जाता है। दो देयर आर प्लेंटी ऑफ रेमेडीज़, हम इनको छुपाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल से भरे वाले चीज़ें रेमेडीज़ ट्राई करते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। वुडेंट इट बी अ ग्रेट टू हैव अ स्मार्टर एंड अ क्विकर सोल्यूशन जो हैसल फ्री हो, साथ ही साथ नेचुरल हो एंड टॉक्सिन एंड पैराबेंस वगैरह ये सब भी उसमें ना हो। मामाअर्थ ने अपना एक बहुत ही अच्छा हिना रेंज लॉन्च किया है विच इज क्राफ्टेड विद नेचुरल गुडनेस ऑफ हिना एंड डीप रोस्टेड कॉफी। ये जो शैम्पू ये डीपली क्लेंस करता है, नरिश करता है एंड स्ट्रेंथ देता है आपके जो रूट से हेयर तक है उनको। फॉर्मुलेटेड विद कोकोनट एंड इंडिगो ऑयल, हेल्प करता है आपके जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में एंड साथ ही साथ जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज फ्री ऑफ सिलिकॉन, पैराबेंस एंड हार्मफुल केमिकल। तो ये क्या करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग को, जेंटली क्लेंस करता है हेयर को, आपके हेयर का टेक्सचर इंप्रूव करता है एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। इसके अंदर हिना मिला हुआ है जो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है, डीप रोस्ट कॉफी है जो कि आपके हेयर के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, इंडिगो ऑयल है जो कि अगेन आपकी ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है और साथ ही साथ आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, एंड इसमें कोकोनट ऑयल है जो कि आपके बालों को नरिश करता है एंड इसकी जो हेयर ग्रोथ है उसको वो एक्सेलरेट करता है। सो दिस इज द मामाअर्थ हिना हेयर ऑयल जो कि एक एप्लीकेटर के साथ आता है, बहुत इजी, जिससे आप अपने बालों में लगा सकते हैं। यूजुअली मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में, उसके बाद आई यूज दिस शैम्पू। शैम्पू करने जाने वाली हूँ तो मैं आफ्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज द बिफोर पार्ट ऑफ माई शैम्पू के, मतलब पहले वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली भी मेरे बाल काफ़ी वैसे हो रहे हैं, बहुत ही गंदे से हो रहे हैं। तो लिंक्स सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे। सो एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ की वेबसाइट से, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आप एक अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मामाअर्थ का अपना एक ऑफिशियल ऐप भी है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS यूजर के लिए है, जिसकी लिंक मैं अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ का ना एक टेम्पल है, मंदिर है, तो उनने उसमें इन्वेस्ट बोल लो या उन्हीं लोगों ने बनवाया है, तो वहाँ पर ना बहुत भव्य भंडारा होता है। तो विक्की का काफ़ी वो रहता है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन करने का, उसके बर्थडे के आसपास ही आती है ये, तो वो क्या करता है अपने बर्थडे पे अमाउंट निकाल देता है और वहाँ पर भंडारा होता है तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे देता है। और यहाँ पर तो भोपाल में हर मतलब एवरी सेकंड टेम्पल, नॉट सेकंड मतलब हर ही टेम्पल इतने ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेटेड है, बड़े एंड उस लेवल पर सेलिब्रेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दूँगी क्योंकि आज शाम को हमको भी उसमें जाना है। हनुमान जयंती का एक मेरे चाचा है उन्होंने वो रखा हुआ है, प्रोग्राम रखा है छोटा सा, काफ़ी बिजी डे है। वैसे मैं आज अपनी से आज मिलने वाली थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था कि आज हनुमान जयंती, तो हमने प्लान कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अभी उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार अभी क्योंकि अब क्या हो रहा है मैं जाने वाली हूँ 3-4 डेज़ में हम लोग वापस जाने वाले हैं, तो मैंने कहा मिल लेते हैं, नहीं तो फिर मिलना नहीं हो पाता है। तो येस एंड एक और अपडेट मैं आपको देती हूँ कि हमारे घर में काफ़ी सारी चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। वहाँ के पीछे लाइट हट गई है, प्लांट्स हट गए हैं, पीछे आप देखोगे कार्टन्स आ गए हैं, एक कार्टन तो पैक भी हो गया है, कर्टन सारे हटा दिए हैं, सामने की लाइट्स कर्टन सब हट गए हैं। सो धीरे धीरे जो है पैकिंग स्टार्ट हो गई है। आई नो हमने जो मूवर्स एंड पैकर्स बुक किया है वो तो कर ही लेते हैं, पर आपको पता ही होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कि मैं बेसिक जो मुझे जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गई, मेरे कपड़े हो गए है ना, अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए, मेकअप हो गया, ये मुझे नहीं पसंद है, मेरा कोई भी टच करे, मतलब नॉट अबाउट देयर, बट मुझे पसंद ही नहीं है पर्सनली कि कोई भी ये सामान मेरा टच करे, तो मैं अपने हिसाब से उसको पैक करती हूँ ताकि मुझे वो मिल भी जाए टाइम से और इधर उधर ना हो। तो मैं अपने हिसाब से लिस्ट बनाती हूँ, पैक करती हूँ, और बाकी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब वही लोग पैक करते हैं, वो पैक कर लेते हैं, बट ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। ओके गाइज, सो आई वॉश्ड माई हेयर एंड लुक एट दिस, दे लुकिंग प्रिटी गुड, नरिश्ड और काफ़ी सही लग रहे हैं। तो मैंने जो कंडीशनर है वो भी यूज़ किया था मामाअर्थ का ही, हिना का जो रेंज है उसी का कंडीशनर भी मैंने यूज़ किया है। सो येस और अभी मैं जा रही हूँ अपने बुटीक अपने बुटीक बोल रही हूँ, मतलब जहाँ पर मैंने ब्लाउज डाला है ना, वहाँ पर ब्लाउज पिक करने के लिए मेरे ब्लाउजेस रेडी हो गए हैं। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी। मैं अपना जो भी सूट और जो भी चीज़ें थी ना वो सब ले करके आ गई हूँ। इसी के अंदर मेरी साड़ी भी रखी हुई है। सो अभी हम निकल रहे हैं। आज है नेक्स्ट डे और कल आई थिंक मैंने बहुत थोड़ा सा पार्ट लिया क्योंकि हम लोग भंडारा वगैरह खा रहे थे एंड यू नो फिर बहुत सारी भीड़ थी तो मैंने थोड़ा क्लिपिंग वगैरह नहीं वो लिया है। सो कल हम काफ़ी लेट आए थे। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग पैकिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। कि पहले हमारे प्लान में कुछ चेंज था, अब हमारे प्लान में कुछ और चेंज आ गया है। अब जब हम आएंगे ना यहाँ पर, विक्की तो अब आने नहीं वाला है, मैं ही आऊँगी। तो मैं आऊँगी तो मेरा सामान पूरा चला जाएगा, उसमें विक्की की अपनी स्क्रीन ले करके चला जाएगा। वो कपड़े ले जाएगा ऑफिस वगैरह के पहनने के, और मैं अपने थोड़े क्लोथ्स ले जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर वार्डरोब्स ऑलमोस्ट सब कम्प्लीट, मतलब हमारे दोनों रूम कम्प्लीट हो गए। इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो थोड़ा सा बचा हुआ है, पेंट वेंट बचा है और उसके साथ एक और स्टोरेज बचा हुआ है। तो वो जो स्टोरेज है ना वो बाहर बन के आके लग जाएगा, सिर्फ वहाँ घर पे नहीं होने वाला है। घर पे जो लकड़ी का काम घिसा वैसा वो सब जो होने वाला होता है ना वो बेडरूम के कंप्लीट हो गए हैं। हॉल में बेसिक बेसिक चीज़ें बची हुई हैं, तो लेट्स सी वो कब तक, वो भी शायद जब तक मैं जाऊँगी तब तक कम्प्लीट हो तो जानी चाहिए। सो येस, एंड मैं आपको अब दिखाती हूँ घर की सिचुएशन। लाइट्स निकाल दी हैं वहाँ से, यहाँ से लाइट निकल गई, यहाँ से पूरे फ़ोटो फ्रेम्स निकल गए हैं। मैं इस तरीके के जो हुक्स हैं ना वो यूज़ करती हूँ फॉर दीज फ़ोटो फ्रेम्स जो यहाँ पर हमने रख दिए हैं, ये प्लास्टिक हुक्स। सो ये है, और उसके बाद यहाँ से जो एंगल्स हैं वो निकाल दिए हैं, मतलब ये वाले प्लांटर्स, जो प्लांटर्स हैं ना ये निकाल दिए हैं, सब यहाँ पर रख दिया है निकाल करके। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब रखना स्टार्ट करूँ और क्या रखना चालू करूँ, क्या रखूँ, वैसा वाला सीन है। तो या लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ पैकिंग वैकिंग करने के बाद। काफ़ी सारी पैकिंग हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक शादी में। मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड के बेटे की शादी है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। एंड ये मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी पहनी है। मैंने एक ऐसे ना गोल्डन कलर का ब्लाउज स्टिच करवा लिया था, आई थिंक मैंने बताया भी था अपने ब्लॉग में, ताकि मैं किसी की भी साड़ी पहन सकती हूँ अब बहुत आराम से, क्योंकि यूजुअली जो हैवी साड़ीज़ होती हैं उनमें गोल्डन वो तो होता ही है, पैटर्न होता ही है। सो येस, दिस इज़ माई साड़ी, वेरी प्रिटी, इट्स अ बनारसी सिल्क साड़ी। हालांकि गर्मी है, गर्मी में पहनते नहीं है बट कोई बात नहीं, चल जाता है। और गले में मैंने ये चोकर पहना हुआ है। अरे यार गर्मी तो बहुत लग रही है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे। आई एम रियली सॉरी, आपको जो व्लॉग्स मिल रहे हैं बिल्कुल ऐसे मिल रहे हैं। 2 सेकंड का आई थिंक किसी और दिन का रहता होगा और उसके तुरंत बाद में कोई और दिन का स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज हो ही ऐसा रहा है। तो कल एक्चुअली क्या हुआ, पैकिंग करते करते हमारी पैकिंग हुई, फोकस, हाँ, तो हमारी पैकिंग वगैरह हुई और पैकिंग जैसे तैसे ख़त्म हुई। पैकिंग ख़त्म होने के बाद, नहीं परसों मेरी पैकिंग ख़त्म हुई, हाँ कल का दिन मैंने थोड़ा फ्री रखा था। लेकिन क्या हुआ, सुबह ये विक्की उठा और उठ करके एक्सरसाइज करने के लिए गया एंड इसने जस्ट कफिंग करी, और कफिंग इतना, पता नहीं कितनी तेज़ इसने कफिंग करी कि इसके यहाँ पे कमर पे जर्क लग गया, और इतना गंदा जर्क लगा है कि चल भी नहीं पा रहा था। हम, मतलब ये ना उठ पा रहा था, बैठ पा रहा था, चल पा रहा था। तो मेरी मम्मी की भी फिजियोथेरेपी होती है, तो मैंने कहा मम्मी को पिक करने के लिए जाना था, तो वो जो डॉक्टर है जो फिजियोथेरेपी करते हैं उनको हम जानते हैं काफ़ी अच्छे से, तो मैंने बोला कि चलो अपन पिक करने भी चले जाते हैं और मैं दिखा भी दूँ उनको कि एटलीस्ट बोन वगैरह में थे, क्योंकि चट्टे से ना विक्की बता था आवाज़ आई थी, तो बोन का कोई प्रॉब्लम कोई इशू ना हो। तो मैं तो इतनी टेंशन में आ गई थी, मैंने कहा बाप रे इतना सामान लेके जाना है, भले ये वैसे कुछ काम नहीं करता है बट भारी भारी सामान को उठाना करना ये सब वो हेल्प ऐसी वाली कर देता है। बाकी ऐसे कोई शिफ्टिंग में वो हेल्प नहीं करता बट एटलीस्ट एक हेल्प हो जाती है भाई, सामान उठाने वगैरह की, चीज़ें निकालने के ऊपर से। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई, मैंने कहा लो ये और क्या नया स्यापा होने वाला है। फिर हालांकि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ ऐसा नर्व प्रेशर हो रहा था, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला। टेस्ट वेस्ट करे एक दो एंड फिजियोथेरेपी कर दी, तो आज उसको बहुत बेटर लग रहा है। घर पे भी हमारे पास 2-3 इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको बताऊंगी वो इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे से अगारों के हैं जो मुझे ब्रांड ने सेंड करे थे एंड दे आर सो अमेजिंग, मतलब इतने अच्छे हैं कि आई वुड हाईली रेकमेंड यू कि आप लोगों के सबके घर में होना चाहिए वो। तो आज मेरा ना 2 फ्रेंड्स लोगों से मिलने का प्लान था, एक तो मुझे अश्विनी से मिलना था, फिर मुझे करिश्मा दीक्षा लोगों से मिलना था। सब ने मुझे बोला था कि जाने से पहले तुम मिल के जाना, तो बट वो आज हो ही नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे घर के पीछे हालत देखो आप, बैग्स वगैरह दिख रहे हैं, ये पैक करा, ये इसको भी देखो एक बार, देखो कमर में लगी हुई है और देखो कैसे लेटा हुआ है। सबसे बड़ी गलती होगी कि हम कार नहीं लेकर के आए, अगर हम कार लेके आते और अभी कार से जाते ना तो हमारा बहुत सामान चला जाता है, इंपॉर्टेंट वाला। बट ठीक है, अभी जो हो गया हो गया। तो वही है, अभी सामान वगैरह पैक किया है। तो कल सुबह हमारी ट्रेन है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर पे। इसको कुछ साइन वगैरह करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट, और मैं फिर वहीं रुकूंगी। एंड यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, आई डोंट नो क्यों लाइट चली गई। वैसे हे गाइस, तो मैं अभी आपको अपने घर की सिचुएशन बताती हूँ। कल हम लोगों की ट्रेन है सुबह 9:30 बजे, तो हम लोग निकल जाएंगे। पैकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट हो गई है, और घर का जो भी स्टेटस है ना वो मैं एक्चुअली, मुझे ना थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो इतना स्ट्रेस चल रहा है उसकी वजह से, और वेदर चेंज हो रहा है, इधर उधर पानी चेंज हो रहा है, तो अभी इस वजह से मुझे ना थोड़े एक्ने पिंपल्स, मेरे हार्मोन्स आई गेस ट्रिगर हो गए हैं, तो मुझे थोड़े पिंपल्स निकल रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द होम। सो यहाँ से जितनी भी हमने पिक्चर्स हैं वो सब निकाल दी हैं। फिर आते हैं इस रूम में, तो इस रूम का वार्डरोब आती हूँ। काफ़ी खाली कर दिया है मैंने, क्योंकि ऊपर बेडशीट्स रखी रहती हैं। ये बेडशीट्स वो हैं जो एक्स्ट्रा स्पेयर में होती है ना, जिनको जो रिजेक्टेड बेडशीट्स हैं, तो ये भी काम आ जाएगा, शिफ्टिंग में बहुत काम आती हैं बेडशीट्स। फिर ये इस विक्की के लोअर बचे हुए हैं, बाकी मैंने सारे शर्ट्स, टी शर्ट्स, बाहर पहनने वाले कपड़े जितने भी वो सब रख दिए हैं। नीचे ऐसी रैंडम सा स्टफ़ है, तो ये यहाँ पर काफ़ी सारा ये हम लेके जाएंगे। नाउ दिस इज़ द डोर ऑफ दिस यूनिट। तो मैंने इस यूनिट के ना डोर निकाल लिए हैं 2। ओके, जब ये यूनिट आई थी ना, और टीनू और मैं इसको इंस्टॉल कर रहे थे, तभी मैंने ना ऐसे टीनू को बोला था, मैंने कहा यार ये कितना सही लग रहा है इसका डोर, इसका तो कुछ DIY कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बहुत फन सा DIY आइडिया है, 1-2 हैं, देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं लेके तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनका मैं कुछ ना कुछ करने ही वाली हूँ, और ये बहुत ही मस्त है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और सोच भी लिया मैंने मुझे कहाँ यूज़ करना है, सो इसलिए मैं दोनों डोर लेकर के जा रही हूँ। यूनिट अभी ऐसी हो गई है, तो इसको तो अभी मैं सेल भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी या तो मदर इन लॉ को दे दूँगी, या मैं इस रूम में छोड़ के जाऊँगी। तो इस रूम में काफ़ी सामान हम छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो टेबल है विक्की का, ये यहीं रहेगा। ये मैंने अपनी मम्मी से मैंने पूछ लिया था, मतलब मैंने लोगों से पूछ लिया है, मम्मी वगैरह से पूछ लिया है, भाई आपको कुछ चाहिए तो बता दो, तो मैं दे दूँगी। तो मेरी मम्मी को ये यूनिट पसंद आई है, पतली सी है क्योंकि घर में इतनी हमारे जगह नहीं है, तो वो ये ले लेंगी। मेरी मदर इन लॉ को ये चाहिए होगा तो वो ले लेंगी। उसके बाद ये गद्दा है, ये मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी। ये मैट्रेस यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ एज़ इट इज़। उसके बाद ये जो सोफ़े हैं लेके जाएंगे, पहले हम सोच रहे थे यहीं छोड़ के जाएंगे, बट लेके जाने वाले हैं। एंड वो जो है वो सेल आउट हो चुका है ऑलरेडी, मैंने सेल पे डाल दिया था। मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी नहीं लेके जाना चाह रही हूँ। ये बड़ा जम्बो ट्रॉली, वो छोटा वाला ट्रॉली, देन दिस ट्रॉली एंड दिस ट्रॉली, ये 4 ट्रॉलीज तो हमारे जा रहे हैं। साथ में ये एक झोला जाने वाला है, इसके अंदर सारी लाइट्स रखी हुई हैं जो हम लोगों को लगानी है। कुछ जो लाइट्स हैं वो मैं लेके जा रही हूँ, ताकि पूरा वहाँ पर रेडी कर दूँगी, मतलब ड्रिलिंग विलिंग सब हो जाएगा। और कुछ सामान हमको मंगवाना है, अमेज़न से ऑर्डर करना है, तो वो अमेज़न से आ गया है। कुछ लाइट्स मुझे IKEA से लेकर के आनी है, तो वो भी मैं जा कर के लेके आ जाऊँगी सैटरडे को, बिकॉज विक्की को भी 1-2 सामान लाना है, उसके लिए पसंद करना है, तो वो हम सैटरडे जाएंगे IKEA, तब मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ। बेडरूम का सिचुएशन बताती हूँ। सो बेड तो काफ़ी क्लीन है क्योंकि अभी हमको सोना है इस बेड पे। उसके बाद लुक एट द हालत ऑफ माय प्लीज़ भाई, ये वार्डरोब है एंड ऑलमोस्ट जो है, मतलब मैंने अपना सब ऊपर पूरा खाली है, पूरा खाली कर दिया है। ये तो क्या है एज़ इट इज़, मतलब ये जो 3 है ना, ये एज़ इट इज़ रख जाएगा, इसको अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी ये सामान तो मैं ले जाऊँगी, अभी आऊँगी बीच में तब, तो मैंने ये पूरा खाली कर दिया है। मैंने आपको बताया ना कपड़े मुझे पसंद नहीं है, मेरे को टच करता है, तो सो वो है। उसके बाद ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इसका भी सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी है। चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है ये पूरा खाली हो गया है। बटन्स हैं जो मैंने भर दिए हैं, आप सोचो कितने सारे वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्टन्स मैंने पूरे फिल कर दिए हैं। असली बताओ क्या कितने कार्टन्स जाते हैं, बताओ। 70, 65, 70। सुना आपने, 70 कार्टन जाते हैं हमारे घर से। नहीं मैं बताती हूँ 70 सिर्फ सामान अंदर वाले जो छोटे-छोटे। नहीं, हमारे क्या होता है, जब वो लोग आते हैं ना तो बहुत जोश से आते हैं, उनको लगता है अरे, क्योंकि बड़ा सामान दिखता ही नहीं है, उनको लगता है अरे ये तो बहुत थोड़ा सा है, मैडम 2 बजे तक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्या इवन 1 BHK में भी मेरा सामान इतना, ये सब सामान तब भी था, एक आध सामान ही ऐड हुआ है हमारा, जो मतलब 2 में, तो ना अभी तो इसमें तो चलो हमने काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी है, बट वो बेचारे ना कार्टन उठा करके थक जाते हैं, भर के थक जाते हैं। 70 कार्टन निकलते हैं इस घर से 2 BHK से। गलती से भी अगर 4 BHK या 3 BHK में शिफ्ट होगा तो भगवान ही जाने कितने निकलेंगे यार। तो नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं सामान निकालती नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डीक्लटरिंग करती हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली। मतलब किचन का सामान हो गया, चाहे ये हो गया, अपना कपड़े हो गए। अभी भी मैंने ना कपड़ों का एक लॉट रखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर जो दिख रहा है ना बेड पे, मैंने निकाल के रखे। तो अच्छे कपड़े हैं, मैंने निकाल के रखे क्योंकि हाँ वो जो सेलिंग वाला प्रोसेस चल रहा था कि मैं कपड़े सेल आउट करूँगी, यार वो तो अभी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों में स्टक हो गई हूँ। और जब मैं वहाँ पर जाऊँगी भी ना मुंबई में तो मुझे टाइम लगेगा घर को सेट करने में। और मैं अभी इतना पगला चुकी हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू सेटल डाउन, मुझे बस सेटल डाउन होना है। और ये फालतू का भी किसी और चीज़ में ध्यान नहीं देना है। घर डेकोरेट करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ना ये सेल वेल करना थोड़ा एक बर्डन लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत फ्री होंगी और मेरे पास कोई काम नहीं होगा तब मैं ये काम करना चाहूँगी। मतलब मेरे को अंदर से नहीं आ रहा था कि मुझे सेल करना है और उससे पैसे, समझ रहे हो, मतलब नहीं हो रहा था मेरे से। अब आई एम हाँ। और अभी पता है आज मैं विक्की से ही बोल रही थी क्योंकि इस बार ना मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड 2 रीज़न से फील हो रहा है। सबसे पहला रीज़न तो ये तो है ही कि यार हाँ बहुत बार बैक टू बैक फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग हो गया, डेफिनेटली वो तो वन ऑफ द मेन रीज़न है ही। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, हमने जो लास्ट शिफ्टिंग किया था ना 2020 वाला, 2020 दिसंबर एंड 2021 जनवरी, वेदर बहुत अच्छा था। वेदर कैसा था, हम लोगों ने प्लेजेंट वेदर था, शिफ्टिंग कर ली। फिर हम जब भोपाल आए तब हमने बारिश, अगस्त था तो बहुत अच्छी बारिश थी तो ठंडा वेदर था। भगती हुई गर्मी है नहीं, और अपनी वो शिफ्टिंग है ना कंपैरेटिवली इजी थी, हम ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने तीनों मौसम में शिफ्टिंग करने की, तो अब इनका भी मन भर गया हो गया मेरा यार, अब शिफ्टिंग नहीं करनी है। मेरी एक दोस्त बोलती है, उसने भी स्टेट चेंज किया है, वो बोलती है हम लोग है ना, हमने सोचा है कि हम रुचि को बुलाएं। मैंने कहा भाई बस नहीं आऊंगी मैं दिखूंगी मेरी तुम लोगों को, मेरे को भूल जाओ। वो कहती नहीं यार तुझे बहुत आदत होगी। मैंने कहा भाई मैं नहीं आने वाली, हो गया मेरा जो भी मेरा शौक था ना। अगर ये बहुत टाइम में होता ना तो फिर भी शायद बना रहता, लेकिन ये इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मेरा वो गया हो गया, मजा आ गया, कुछ ज्यादा मजा आ गया मुझे, वो मजा सजा बन गई मेरे लिए। कितना मजा आया किस चीज के लिए 1.5 साल में। देखो फर्स्ट वाले में तो बहुत मजा आया था मुझे, लिटरली बता रही हूँ मैं बहुत जोश में थी। मालूम है जैसे खरगोश होता है ना फुदक फुदक के जाता है, तो वैसे फुदक फुदक के हर नया घर देखने जाती थी। मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी, सच बता रहा हूँ मैं। 5 साल मतलब 5 साल इसको तो सुनो, ये इतना बोरिंग पर्सनैलिटी है। ये नया घर भी कहाँ लेना चाहता था, वहीं जहाँ हम फर्स्ट सोसाइटी में रहते थे रुनवाल में। ये बोलता था 2 BHK भी अपन वहीं रीसेल में ले लेते हैं। वो 15-15 साल पुरानी प्रॉपर्टी, इसको वो लेना था। मतलब ये इतना बोरिंग आदमी, इसको सोसाइटी भी चेंज नहीं करना। और मुझे ऐसा होता है कि अब देखो नए लोगों से ना अटैच हो जाता हूँ लोगों से, भले मेरे इतने कनेक्शन नहीं बनते हैं लेकिन मैं अटैच जरूर हो जाता हूँ जगह से, चीज़ों से, लोगों से। जैसे कि रुचि शादी के बाद फर्स्ट टाइम रुनवाल आई थी, ठीक है, और वहाँ पर हमारी इनिशियल यादें भी जुड़ी हैं और कई सारे लोगों ने हमको सपोर्ट भी किया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हेल्पिंग लोग हैं। सोसाइटी में आ गई हूँ ना तो यहाँ से हम अभी बीच में वहाँ गए थे, वहाँ पर एक दीदी रहती है जिनसे हमारा बिल्कुल ऐसे घर वाला कनेक्शन है। मतलब 2 फैमिलीज़ मुंबई में एटलीस्ट हमने इतने सालों में बना ली, बहुत हैं और भी, लेकिन ये 2 घर ऐसे हैं जिनके पास हम कभी भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं और किसी भी तरह की हेल्प के लिए जा सकते हैं। एक शालिनी दीदी और दूसरी निशा, ये 2 लोग हैं। तो शालिनी दीदी के घर हम जाते ही जाते हैं, अगर हम वहाँ जाते होते हैं तो ऐसा होता है। तो मैं ना उधर गई उनके घर पे, तो मैं लिटरली उस कॉलोनी में जाकर विक्की को रही थी, ऐसा लग रहा है घर आ गया। और अफेक्शन हाँ थी ना, वो वहाँ जुड़ गई, वो थी वहाँ, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने फिर भी छुड़वा दी वो कॉलोनी। बालकनी चाहिए, बालकनी चाहिए, बालकनी हाँ, थोड़ा मूव ऑन भी कर। मैं बहुत प्रैक्टिकल भी हूँ, मतलब मैं अटैच भी होती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अटैच नहीं हूँ। आज भी उन बच्चों का फोन आता है एंड आई एम प्लानिंग कि मैं जैसे ही वहाँ सेटल डाउन हो जाऊँगी तो मैं उनको एक दिन अलग से पार्टी करने के लिए बुलाऊंगी। तो मैं भी बहुत अटैच हूँ, उन लोगों से बात करती रहती हूँ, बट मेरा है कि थोड़ा मूव ऑन हो यार, चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक ही जगह मत अटके रहो। हाँ बेटर जगह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसा है। एंड अब हम सोने जाते हैं क्योंकि कल हमारी ट्रेन है सुबह। तो गाइज अब हम मिलते हैं कल एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ, आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। देखो इतना थक गई हूँ बट एनर्जी पूरी फुल ऑन है, तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना। बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।